तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो कैसे अपने पीसी और लैपटॉप में ब्लूस्टैक 5 एमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि ब्लूस्टैक 5 एमुलेटर जो है एक बेस्ट एंड्रॉइड एमुलेटर है जिसमें आप जो एंड्रॉइड एप्स एंड गेम को रन कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है ब्लूस्टैक 5 को कैसे इंस्टॉल करना है इसका परफेक्ट इंस्टॉलेशन बताने वाला हूँ। तो आप जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लूस्टैक 5 एमुलेटर को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में चले जाना है एंड यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है ब्लूस्टैक एमुलेटर। एंड जैसे ही आप यहाँ पर ब्लूस्टैक एमुलेटर सर्च करोगे तो यहाँ पर जो है आपको ये फर्स्ट वाली साइट मिलेगी ब्लूस्टैक की। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप जो है ब्लूस्टैक की वेबसाइट पर आ जाओगे। तो अब आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको दिखेगा सी ऑल वर्जन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको जो है ये ब्लूस्टैक के काफी सारे वर्जन मिल जाएंगे, तो आप जो है यहाँ पर किसी भी वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो। तो हम जो है यहाँ पर ये ब्लूस्टैक 5 एमुलेटर को डाउनलोड करेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड ब्लूस्टैक 5 एमुलेटर पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जो है ये ब्लूस्टैक 5 की सेटअप फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद ब्लूस्टैक एमुलेटर को अपने पीसी में इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ये सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक करेगा एंड उसके बाद यहाँ पर जो है ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ये इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दोगे तो ये जो है बाय डिफॉल्ट आपके लोकल डिराइव सी में इंस्टॉल होने लग जाएगा। एंड अगर आप इसे और किसी डिराइव या फिर फाइल लोकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको जो है यहाँ पर एक कस्टमाइज इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आप जो इसे जिस भी फाइल लोकेशन या फिर डिराइव में इंस्टॉल करना चाहते हो आप जो है यहाँ से फाइल लोकेशन चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो इसे सी ड्राइव में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आपको जो है सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर जो ये एमुलेटर इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो ये डाउनलोड होने लग जाएगा एंड इसमें जो है डाउनलोड होने में जो है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पर वेट करना है, इसे जो है डाउनलोड होने देना है। ब्लूस्टैक एमुलेटर इंस्टॉल हो जाने के बाद अब आप यहां पर देखोगे यहां पर आपको जो है इसके दो शॉर्टकट मिल जाएंगे। पहला आपको यहां पर इसका लॉन्चर फाइल मिल जाएगा एंड यहां पर आपको दूसरा इसका मल्टी इंस्टेंस वाली फाइल मिल जाएगी। तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि यहां पर आपको जो है ये जो लॉन्चर फाइल है आपको जो इस पर क्लिक करके ब्लूस्टैक एमुलेटर को ओपन कर लेना है। एंड फर्स्ट टाइम आप जब इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये एमुलेटर ओपन हो जाएगा तो अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एंड्रॉइड एप्स एंड गेम को प्ले करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ये प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर ये साइन इन करने को बोलेगा, तो आपको जो इसे किसी भी एक ईमेल आईडी से इसे साइन इन कर लेना है। तो आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको जो ये ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको जो है किसी भी एक ईमेल आईडी को डाल देना है एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पर जो ये प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा एंड अब आप यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन एंड गेम को डाउनलोड करना चाहते हो आप जो यहाँ से डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो बड़ी इजी तरीके से ब्लूस्टैक 5 एमुलेटर को अपने पीसी और लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।